अजमेर के ऐतिहासिक अनारक सागर झील में फैली जलकुंभी निकालने के लिए जिला प्रशासन के साथ ही नगर निगम की टीम लगातार जुटी हुई है। नगर निगम और प्रशासन ने इसे निकालने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है और अब जल्द ही इस पर काबू पा लिया जाएगा। अनासागर झील में फैली जलकुंभी को लेकर आज महापौर बजरता हाड़ा ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों से बातचीत करते हुए कितने समय में अनासागर साफ होगा, उन्होंने कहा कि मार्च महीने से अब तक 12,000 ट्रक जलकुंभी अनासागर झील से निकाल ली गई है और अब 5 से 7 दिनों में से पूर्णतः साफ कर दिया जाएगा। साथ ही अनासागर के चारों ओर सफाई अभियान भी चलाया जाएगा और इसकी टूट फूट भी सही करवाई जाएगी, जिससे कि अजमेर की ऐतिहासिक अनासागर झील के सौंदर्य को वापस निकाला जा सके और यहां लोगों की आवाजाही फिर से पहले जैसी हो और वह राहत की सांस ले सके। उन्होंने कहा कि पिछले 2 सालों में जलकुंभी लगातार बढ़ गई और मार्च महीने में इसे निकालने का काम शुरू किया गया था और अब अनासागर की सफाई को लेकर टेंडर भी जारी किया गया है, जिससे कि यहाँ पर किसी तरीके की समस्या उत्पन्न ना हो और अजमेर की ऐतिहासिक झील अपने पुराने वैभव को फिर से स्थापित कर सके। आज मैंने यहाँ अनासागर चौपाटी स्थित अनासागर में जलकुंभी पूरी फैली हुई है, उसका निरीक्षण किया। जलकुंभी काफ़ी निकल चुकी है, मार्च से हम ये इस जलकुंभी को निकालने में लगे हुए हैं, तो ये देख लिया आपको 1% 1.8% इतना ही रह गई है जलकुंभी, तो 4-5 दिन में जलकुंभी पूरी साफ हो जाएगी। उसके बाद फिर जो है ये जलकुंभी साफ होने के बाद उसके बाद हमने सोचा है कि जैसे निगम के सारे कर्मचारी अधिकारी और भी कोई लोग अगर सहयोग देना चाहे तो ये सफाई साफ सफाई चलेगी यहाँ पे इतवार को। अभी हमने प्लान बनाया, अभी देखते हैं क्या करते हैं, तो उसको भी देखकर हम सारी साफ सफाई किनारे से जो पत्रिका भी अभी अभियान चला रहा है सफाई का, तो उनको भी ये कहेंगे किनारे पर जितनी मिट्टी आए वो सब बाहर निकाल दो। जलकुंभी तो हमने पूरी साफ कर दी है, तो इससे क्या अनासागर की सुंदरता और निखरेगी। और जो फाउंटेन है वो चालू कर रहे हैं, सामने आप भी देख लीजिए सर्किट हाउस के नीचे पहले वहाँ फाउंटेन था, उसको भी हम लगभग चालू करवाने की कर रहे हैं, तो वो चालू हो जाएगा तो इसकी सुंदरता और निखर जाएगी। अनासागर जो पहले से काफ़ी सुंदर दिखेगा, तो जलकुंभी लगभग पूरी हट जाएगी और उसके बाद भी अगर फिर भी बैठती है तो हमने सोचा कि साल भर का हम ठेका देंगे इस चीज़ के लिए, तो ये अनासागर की साफ़ सफाई चलती ही रहे, ताकि जो जिस तरह से इतनी जलकुंभी अभी बढ़ी है, इतनी परेशानी आई है, वो सब चीज़ों का सामना नहीं करना पड़े। लगभग कितने डंपर निकाल चुके हैं अब तक? लगभग 12,000 अब तक हम डंपर निकाल चुके हैं और अभी तो कहना चाहिए अभी 500-250 करीब और डंपर निकलेंगे, जो बची हुई है ना जलकुंभी इसके और निकलेंगे। हम जलकुंभी निकालने के लिए अनासागर के चारों ओर मेन पाथवे भी कई जगह से तोड़ा गया है, वो वापस रिपेयर होगा वहाँ पे। तो क्या है, हम वो रैम टाइप से बनाते हैं, तो सफाई करने के लिए कभी ज़रूरत पड़े तो तोड़ना नहीं पड़े, तो इस तरह से रैम भी बनाएंगे और उसको वापस रिपेयर होगा पूरा ये पाथवे।